सीटेट जनवरी 2021 के लिए इंग्लिश ग्रामर की चौथी वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूं मैं। पेपर में तो यही सब आना है, इसीलिए मैं आपको हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और उनका कंटेंट करा रहा हूं। तो आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पूरी वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें भी 10 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। और आपको हमारी बैक टू स्कूल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्त, क्योंकि हमारी ऐप के अंदर मॉक टेस्ट नोट्स और पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सीटेट एग्जाम के लिए हैं। इंस्टॉल करें, अकाउंट बनाएं, सब्सक्रिप्शन लें और अपने सीटेट के एग्ज़ाम को 100% क्लियर समझें, इतनी गारंटी है मेरी। और आज जो सब्सक्रिप्शन लिया है वो लिया है रूपाली ने, तो रूपाली की तरह आप भी देर ना करें, सब्सक्रिप्शन ले। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। आज की ये वीडियो है किस रिगार्डिंग, हम इंग्लिश की पेडागोजी तो कर ही रहे हैं, उसके साथ इंग्लिश की ग्रामर भी कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर की ये फोर्थ वीडियो है। तो इस चौथी वीडियो में हम 10 क्वेश्चन की बाल की खाल निकालेंगे इंग्लिश में। आप लोगों को इंग्लिश में डिफ़िकल्टी आती है, अपना हाथ तंग आपको लगता है, तो ये पूरी वीडियो देखना, अपने नंबर काउंट करते हुए चलना है कि 10 में से कितने नंबर आपके आए। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस टू रीअरेंज देम इन ए सुटेबल मैनर। एक सेंटेंस के चार टुकड़े दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा टुकड़ा पहले आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पर, कौन सा तीसरे नंबर पर और कौन सा लास्ट में, ताकि एक मीनिंगफुल वाक्य बन सके। सबसे पहले आएगा ये, वी वर सरप्राइज्ड टू हियर दैट यू वर रोब्ड। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, पूरा सेंटेंस बनेगा वी वर सरप्राइज्ड टू हियर दैट यू वर रोब्ड। हमें यह सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ था कि तुम लूट लिए गए हो। तो यह कैसे बनेगा, यहां पर यह बनेगा QPRS, ऐसे बनेगा दोस्त। था ना अच्छा क्वेश्चन, मजा आया ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ विक्सन इज, विक्सन का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा। देखिए विक्सन यूजुअली रेफर्स टू फीमेल, ये फीमेल वर्जन है फीमेल, वाइल ऑक्स यूजुअली रेफर्स टू ए मेल ऑक्स। ठीक है, याद रखना ऑक्स नहीं फॉक्स, फॉक्स फॉक्स सॉरी फॉक्स क्या होगा दोस्त, फॉक्स। विक्सन जो होगी दोस्त वो होगी आपकी फीमेल और फॉक्स होगा मेल। जो मेल लोमड़ी होती है उसे फॉक्स कहते हैं और जो फीमेल लोमड़ी होती है उसे विक्सन कहते हैं। ठीक है ना, तो फॉक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में आपको बदलना है। शी हाइड्स हर फेस फॉर शेम, उसने अपना चेहरा शर्म के मारे छुपा लिया। आपने देखा कि इसमें वर्ब कौन सी है, इसमें वर्ब है आपकी हाइड। इसमें वर्ब अगर की वर्ब की अगर बात करें तो वो है हाइड। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, पास्ट टेंस में जो है चेंज करना है। तो कैसे चेंज होगा, पास्ट टेंस में अगर हम देखें, पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो पास्ट टेंस में हाइड क्या बन जाएगा, हिड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ इट। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है ये पिछले वाला, कहीं इसको आप देखकर बोलो नहीं सर ये तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तीसरा होगा यहां पर, क्योंकि पास्ट टेंस अगर मैं बात करूं द वर्ब पास्ट टेंस में हाइड की हिड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द एडवर्ब ऑफ टाइम, 3 AM, 3 PM, वंस नाउ। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बाय टेलिंग अस व्हेन थिंग्स हैपेंड, यानी कि चीजें कब हुई। सम एग्जांपल्स आर आफ्टर, अगो, अर्ली। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम,
ऐसी एडवर्ब जो हमें टाइम के बारे में नॉलेज दे, जैसे कि आफ्टर, अगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमोरो। तो ये जितनी भी हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारी की सारी हैं आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इनमें से कौन सा आया हुआ है अभी? नाउ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ इट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस में कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए, बेसिक रूल अगर मैं बात करूं, बेसिक अगर रूल की, तो यहां पर लिखो ऊपर बेसिक रूल। बेसिक रूल में तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस की देख लेते हैं कि बेसिक रूल क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं एक्टिव वॉइस की, तो बेसिक रूल होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में सबसे पहले तो आती है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखो, पहला ऑप्शन देखते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ए आएगा दोस्तों, द ओनली सेंटेंस दैट हैज हेल्पिंग वर्ब अलोंग विद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो यहां पर ऑप्शन ए आएगा दोस्त, क्योंकि यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, मेन वर्ब की यहां पर थर्ड फॉर्म है और वो हेल्पिंग वर्ब के साथ है, तो ए आंसर यहां पर आएगा। और एक्टिव और बेस और जो आपका पैसिव है वो मैंने आपको बता ही दिया है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहां पर आंसर आएगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस आपको पहचानना है। अगर मैं बात करूं यहां पर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों होते हैं। तो पहले एक बार देखते हैं, वेयर यू गो यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, ऑल दो ही वॉज वेल्दी ही वॉज स्टिल हैप्पी, वेन एवर प्राइस गोज अप कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट, सारा वाक्ड दी क्लास बट केविन रेन। आप मुझे इसके अंदर से कंपाउंड सेंटेंस बताइए। देखिए, अगर मैं बात करूं ए बी और सी की, वो आपके कॉम्प्लेक्स हैं। ए बी और सी की अगर मैं बात करूं, तो ये तीनों के तीनों आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। क्योंकि इन ए बी और सी के अंदर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लोज दोनों है, वेर एवर यू गो। अब देखिए, इसके अंदर तो एक आपको डिपेंडेंट क्लोज मिलेगा, प्लस यहां पर आपको इंडिपेंडेंट क्लोज मिलेगा। एक वाक्य का तो पूरा अर्थ होगा वो इंडिपेंडेंट क्लोज, और डिपेंडेंट क्लोज का मतलब कि एक वाक्य ऐसा होगा जो दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर करेगा, उस अकेले वाक्य का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आप देखा, सारा वाक्ड टू क्लास बट कैल्विन रैन, यहां पर आपने देखा कि दोनों वाक्यों का अलग अलग भी आपका मीनिंग होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों वाक्यों में से किसी अलग कर दें एक को तो किसी एक का मीनिंग नहीं होगा। तो जो डी है दोस्त, वो कंपाउंड सेंटेंस है, बाकी ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आंसर यहां पर डी वाला होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टफ क्वेश्चन है दोस्त, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए लेकर आया हूं। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन। नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। डैश वेंट टू वॉच ए मूवी लास्ट नाइट। मी एंड माई फ्रेंड्स एंड मी, आई एंड माई फ्रेंड्स एंड आई। आंसर क्या होगा? माई फ्रेंड्स एंड आई। आप इसको गलत करते हैं, मी एंड माई फ्रेंड्स बोल देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। आंसर होगा माई फ्रेंड्स एंड आई। बिकॉज आई इज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन विच इज नीडेड इन दिस सेंटेंस। मी इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगर आप मी की बात करेंगे यहां पर, ये जो मी है ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेकिन यहां पर जो आई है दोस्त वो क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, इसलिए मी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसीलिए सेम सेंटेंस में वो यूज नहीं हो सकता, आपको पता है। ठीक है, तो आपको यहां पर भी बताया, दी ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन इज इन सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। When one talk about something good or positive in a sentence, तो first person, second person, third person में answer आएगा, me and I answer आएगा यहां पर। me and I went to watch a movie last night, D is the right answer of it। next question की तरफ बढ़ते हैं। काफी बच्चों के यहां पर गलत हो गए होंगे answer, लेकिन कोई बात नहीं। which of the following is a correct expression? as blind as bat, as healthy as a lamb, as tough as a mule या as neat as a picture। आंसर बताइए। देखिए अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो होगा as blind as a bat, as blind as a bat। ठीक है, ठीक है। आपने देखा होगा bat होता है आपका, अरे bat को बोला तो जाता है, मेरे दिमाग में से उतर गया। उसको रात को दिखाई नहीं देता है, दिन में दिखाई नहीं देता उसको, रात को तो दिखाई दे देता है, दिन में दिखाई नहीं देता। और बैट, एज ब्लाइंड एज बैट, करेक्ट एक्सप्रेशन यही होगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ टू हैव ए वेरी बैड आई साइट। जिसकी आई साइट बहुत कम हो उसको बोला जाता है ही इज एज ब्लाइंड एज ए बैट। और बैट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी मेरे दिमाग में से निकल गया वो, कोई बात नहीं, हिंदी की क्लास है ही नहीं। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। चलो इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट ऑफ देयर वर्क। आंसर क्या होगा? द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क। आंसर टू आएगा, कि जो मिनिस्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं चीफ मिनिस्टर को उनके काम के लिए जो वो स्टेट के अंदर करते हैं, तो टू आएगा। द मॉडल कुड इन दिस सेंटेंस शो स्टूडेंट कुड प्रोग्रेस इन देयर एक्विजिशन मींस। क्या दे रखा है ये? द मॉडल कुड इन दिस सेंटेंस शो स्टूडेंट्स कुड प्रोग्रेस इन देयर एक्विजिशन मीन्स, यानी कि जो ये सेंटेंस दे रखा है इसके बीच में जो ये शब्द है कुड, इसका मतलब क्या है? इस पूरी लाइन के, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है इसके अंदर जो ये कुड दे रखा है इसका मतलब क्या है? सो स्टूडेंट्स कुड प्रोग्रेस इन देयर एक्विजिशन, यानी कि स्टूडेंट्स को प्रोग्रेस करनी चाहिए एक्विजिशन के अंदर। इट वॉज पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोग्रेस इन, यानी कि होनी ही चाहिए, इसलिए यहां पर कुड का प्रयोग किया गया है। तो आंसर यहां पर बी आएगा। दोस्त ये टफ क्वेश्चन थे मैं आपके लिए जो लेकर आया, ये 10 क्वेश्चन इस वीडियो इस क्वेश्चन के साथ पूरे हो गए हैं। दोस्त अगर मैं इंग्लिश की वीडियोस में भी आपको CDP कराऊं और आपको बेवकूफ बनाऊं कि यही चीजें आएंगी, तो वो गलत बात हो जाएगी। चीजें आपको बेशक बोरिंग लगे, बेशक आपको टफ लगे, लेकिन चीजें तो मैं वो कराऊंगा जो सबसे बेस्ट हैं, चाहे मुश्किल लगे चाहे वो कुछ लगे, क्योंकि चीजें जो आपको मुश्किल लगेंगी यहीं पर वही आप एग्जाम में देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में आप देखते हैं कि यार ये तो चीज़ें हम करके ही नहीं आए थे, हमने तो सिर्फ CDP की, यहाँ पर तो सारी चीज़ें अलग आ रही हैं हर सब्जेक्ट में, तो ऐसा आपको नहीं लगेगा। चैनल के साथ बने रहो, हर सब्जेक्ट की पैडागोजी आपके CDP, मैथ, CVS, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, ये सारी की सारी चीज़ें जो CTET के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बैक टू स्कूल के आपके
YouTube चैनल पर करा रहा हूं, तो सब्सक्राइब जरूर करना है, हर वीडियो देखनी है। इंग्लिश ग्रामर की चौथी वीडियो थी ये, काफ़ी जल्दी पांचवी वीडियो भी आ जाएगी और इंग्लिश पेडागोजी भी हम शुरू कर चुके हैं। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में ये जो एप्लीकेशन है हमारी बैक टू स्कूल की, उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो उसको इंस्टॉल करो जल्दी से। इंस्टॉल करने के बाद साइन अप करो, अपना अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाने के बाद सब्सक्रिप्शन लो। सब्सक्रिप्शन जो आज लिया वो लिया रूपाली ने, उनकी तरह आप भी ले ताकि आपका नाम शेयर करूं मैं, और आपको गारंटी देता हूं आपका सीटेट का एग्जाम रुकने नहीं वाला है। तो चलिए दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते जरूर रहना है।